जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मैं उसको मेडिसिन देती हूँ, तो मेडिसिन के साथ कुछ कॉमन मेडिसिन होती हैं और कुछ बूस्टर डोजेज होती हैं। तो बूस्टर डोजेज होती हैं उनको लेने का तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर गोलियां आपकी बड़ी हैं तो उसमें से 6 या 7 गोलियां ले लें और आधे कप पानी में उसको मिला लें, फिर थोड़ा सा पानी पिए और उस बाकी बचे हुए पानी को छोड़ दें। 15 मिनट बाद फिर से थोड़ा सा पानी उसमें से पिए, फिर 15 मिनट का गैप करें और फिर दोबारा से उस बचे हुए पानी को पिए। इस तरह से बूस्टर डोजेस की 6-7 गोलियों को आधे कप पानी में मिलाकर उसको 15-15 मिनट के डिफरेंस में 3 भाग में डिवाइड करके लेना है। और गोलियां अगर आपकी छोटी छोटी हैं तो उसमें से 10-12-15 गोलियों तक आप ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पिल्स। जितनी बड़ी गोलियां उतने कम लेनी है, जितनी छोटी गोलियां हैं उतना ज्यादा लेना है, यानी कि मैक्सिमम 15 और मिनिमम 6 गोलियों से शुरू करना है। बड़ी गोलियां हैं तो 6 और छोटी गोलियां हैं तो 15 तक जा सकते हैं। ये सिर्फ बूस्टर डोजेस के लिए है, कॉमन मेडिसिन के लिए ये नहीं है। जो बूस्टर डोजेस होती हैं उसमें ऑलरेडी मेंशनड होता है कि ये इस तरीके से लेनी है। ऐसा लगातार 3 से 4 दिन आपको करना है और बाकी जो रेगुलर मेडिसिन हैं वो 3-4 गोलियां दिन में 3 बार रेगुलरली 7 या 8 दिन के लिए यूजुअली मैं देती हूँ, तो उस तरीके से लेना है। थैंक यू।